सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो है विंडो 7 वाले पीसी से विंडो 10 में अपग्रेड करेंगे। जैसे आप विंडो 7 पहले से यूज़ कर रहे हो, उसको विंडो 10 में आप बिना किसी डाटा लॉस के, बिना किसी एप्लीकेशन के दोबारा इंस्टॉल करें आप इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पीसी को फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई भी एप्लीकेशन आपकी रिमूव नहीं होगी। जो आप विंडो 7 में यूज़ कर रहे हैं एज इट इज़ आप विंडो 10 में यूज़ कर पाएंगे बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक ऐसा मेथड आपको बताऊंगा, ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बिना किसी डाटा लॉस के आप ये काम इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत से पर्सन है जो विंडो 7 का यूज़ करते हैं पर विंडो 10 में आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे, बिकॉज वो डाटा लॉस नहीं करना चाहते। जो उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, जो उन्होंने एक्टिवेशन ले रखा है, तो शायद उसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा फॉर्मेट हो जाता है, विंडो फॉर्मेट करके ही विंडो 10 में अपग्रेड किया जाता है। बट इस ट्रिक के जरिए आप बिना किसी फॉर्मेट के इजीली विंडो 10 में मूव हो सकते हैं। इसके लिए किसी भी आपको पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी, बूटेबल वगैरह कुछ नहीं बना, आपको सिर्फ एक iOS की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको ऑफिशियली मिल जाएगी। तो इसका क्या प्रोसेस है आगे हम वीडियो के अंदर जानते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले विंडो 10 की ISO फाइल है माइक्रोसॉफ्ट की मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड विंडो 10 ISO फाइल। तो फर्स्ट वाले लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा डाउनलोड टूल नाउ, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपकी ISO फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे चलना स्टार्ट होगा, इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आगे इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है आगे प्रोसेस होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो अब यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है अपनी एक ISO फाइल क्रिएट करनी है, एक मीडिया क्रिएट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको जो है नीचे टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इस टिक को हटा देना और नीचे यहाँ से अपना आर्किटेक्चर जो है वो आपको बोथ कर देना, नेक्स्ट कर देना। फर्स्ट वाले ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें जो है अपनी ISO हमेशा के लिए बना के रखनी है, अपने कंप्यूटर में सेव रखनी है। तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करना और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको जो है एक इसको लोकेशन डिफाइन कर देनी है जहाँ पर ये ISO फाइल आपकी डाउनलोड होकर परमानेंट आपके पास रहेगी। तो आपने कोई भी ड्राइव दे देना, सी ड्राइव को छोड़ना है और इसके अलावा कोई भी ड्राइवर दे देना। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बना दिया आपके ड्राइव के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट सेव हो जाएगी। तो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, तो डाउनलोड होने में टाइम लेगी, तो मैंने यहाँ से वीडियो को थोड़ा कट किया है, पार्ट कोई स्किप नहीं किया मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ से पूरी डाउनलोड हो चुकी है, मैं यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ। तो इसके बाद का आपका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कंप्यूटर खोलना है और चेक करना है सबसे पहले कि आपकी जो ISO फाइल है वो कौन से फोल्डर में गई है, जहाँ पे आपने सेव की थी एज इट इज़, उसी फोल्डर में यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो 10 ISO के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है, इसको एक फोल्डर में कन्वर्ट करना है आपको। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी विनार की, तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू विनार कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो ये फाइल है थोड़ी ही देर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ा टाइम लेगी यहाँ पर। तो ये फोल्डर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक ISO फाइल जनरेट हो चुकी है हमारे कंप्लीट, और ये एक फोल्डर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इससे पहले अब आपको इसको रन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, वो भी आपको बता देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला सेटअप, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ये विंडो की प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको नेक्स्ट कर देना यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगी। ओके दोस्तों, अगर आपके पास ये वाला मैसेज आता है तो ये मैसेज है आपका कि आपको यहाँ पर, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है विंडो 10 की, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये कट होता रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है KVM स्पीको करके, इससे क्या होगा कि आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको ये एरर आना बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट लिंक मैंने क्लिक किया और विंडो लोडर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है बट मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड विंडो 7 लोडर। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसकी फाइल आपकी जो है एक डाउनलोड हो जाएगी, छोटी सी फाइल है 3.2 MB की। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको, तो ये डाउनलोड होना यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो यहाँ पे आपको जो राइट क्लिक करके जो है इसको रन करना है। ठीक है,
तो उसके बाद आपसे कोई पासवर्ड वगैरह मांगे तो ऊपर पासवर्ड भी है तो आप पासवर्ड टाइप कर देना। देन उसके बाद आपको जो है ये वाला आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना, आपकी विंडो कोई भी हो, विंडो 7 का कोई भी वर्जन हो, वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपको वो जो आपको एरर आया था वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो सब कुछ बनेगा आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो चलिए, अब मैंने जो है रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन के साथ की हुई है क्योंकि अभी रीस्टार्ट हुआ था तो एकदम नहीं आ पाएगा, तो मैंने सेटअप को दोबारा से रन कर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो अब एरर आता है कि नहीं आता है, बट मेक श्योर कि वो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब वो कोई एरर नहीं देगा, जो आपको पहले प्रॉब्लम आई थी ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब आप नेक्स्ट कर पे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो विंडो की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके डिपेंड करता है कंप्यूटर कब तक, ये 30 से 40 मिनट आराम से लेगा यहाँ पे। तो मैंने इसको कट पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा स्किप करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट स्टेप कोई भी स्किप नहीं है, सब स्टेप मैंने इसमें बताया हुआ है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब मेरा जो कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में दो हार्ड ड्राइव हैं, तो मुझे फिर हार्ड ड्राइव चूज़ करनी पड़ती है F10 प्रेस करके बूट मेन्यू में जाके। तो मैंने फर्स्ट वाली हार्ड ड्राइव चूज़ कर ली है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी हार्ड ड्राइव चूज़ हो जाएगी और उसके बाद जो है ये दोबारा से लोडिंग लेगा। तो आप देख सकते हैं पहले विंडो 7 का लोगो आता था, अब जो है यहाँ पर विंडो 10 का लोगो आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे उठाएगा, कुछ अपडेट्स वगैरह उठाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस। सो इस वाले जो पोर्शन को इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको यहाँ से कटआउट कर देता हूँ, आपको बिल्कुल आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ जो इसके बिल्कुल एंड का प्रोसेस है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो अब जो है प्लीज़ वेट आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे डेस्कटॉप पे जाने वाला है, तो यहाँ पर हाई का ऑप्शन भी आ गया, तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही एंड पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो आपकी इंस्टॉल हो गई है प्रॉपरली, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लेना आपको। तो फाइनली ये डेस्कटॉप पे जाने वाला है, तो आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पे आपको परमिशन वगैरह अलाउ कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ गया, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, लोकेशन वगैरह ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, फाइंड माई डिवाइस आपको नहीं चाहिए, तो सब कुछ आप ऑफ कर सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इनको हम ऑफ कर देते हैं, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया, नेक्स्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप आपके पास आ चुका है, और जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन आपके पास थी, जैसे आप MI का सॉफ्टवेयर था, टेलीग्राम था, और विनार था, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर थे, गूगल क्रोम था, सब कुछ एज इट इज़ है। आपका कोई डाटा इरेज नहीं हुआ, कोई डाटा लॉस नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ आपका एज इट इज़ है, ठीक है। और जो भी आपके ड्राइव्स थे, जो भी आपका डाटा था, सब कुछ एज इट इज़ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर जो विंडो डॉट ओल्ड के नाम से फोल्डर बना होगा, उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, ताकि वो बाद में प्रॉब्लम ना करे आपको, ठीक है। बट डाटा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तकली बाय बाय।